Welcome to AgriCoach Commandos. I'm Ritu Rani and today's class is about maize diseases. हम सब लोग जानते हैं कि मेज इंडिया का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेपल फूड क्रॉप है. इंडिया के बहुत सारे स्टेट्स में मेज का कल्टीवेशन मेजोरिटी में होता है और यहाँ के फार्मर्स के साथ साथ बहुत सारे कंज्यूमर्स भी हैं जो मेज के प्रोडक्ट्स को ही मेजोरिटी में यूज करते हैं, ना सिर्फ रोटी या चपाती बनाने में बल्कि बहुत सारे प्रोसेस्ड फूड है, कॉर्नफ्लेक्स है या फिर हॉर्लिक्स है और भी बहुत सारे प्रोसेस्ड फूड्स हैं जो कि मेज से बनाए जाते हैं और उनका एक्सपोर्ट भी होता है इंडिया से. लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो मेज के प्रोडक्शन को हैम्पर करते हैं, जिनमें मेज में का जो डिजीजेस है उसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है. तो आज हम लोग पढ़ेंगे मेज के डिजीजेस के बारे में. हमारा सबसे पहला डिजीज है डाउनी मिल्ड्यू. हम सब लोग जानते हैं कि डाउनी मिल्ड्यू जब भी किसी क्रॉप में लगता है तो उस क्रॉप के लीव्स का जो लोअर सरफेस होता है वहां पे व्हाइट कॉटनी ग्रोथ शो करता है. ऐसा लगता है कि छोटे छोटे व्हाइट कॉटन बॉल्स चिपके हुए हैं, है ना. ये फंगस का माइसीलियम का उस तरह का ग्रोथ होता है जो हमें लगता है कि वो डाउनी ग्रोथ है. लेकिन जब मेज में ये डाउनी मिल्ड्यू लगेगा तो वो दोनों ही सरफेस पे होगा, अपर सरफेस पे भी और लोअर सरफेस पे भी, ठीक है. और भी कुछ सिम्टम्स है जैसे कि क्लोरोटिक स्ट्रीक्स शो करता है. डाउनी मिल्ड्यू जब मेज में लगता है तो मेज का जो लीफ है उसमें पतले पतले येलो ब्राउनिश स्ट्रीक्स दिखाई देते हैं, ठीक है, जो कि क्लोरोटिक, उनमें से क्लोरोफिल लॉस हो चुका होता है. और फिर जब वो थोड़ा सीवियर हो जाता है तो लीफ में श्रेडिंग हो जाता है, लीफ लीनियर श्रेडिंग हो जाता है. ये लीफ है तो यहां यहां से ये फटा हुआ रहेगा. हम लोग जानते हैं कि इसमें पैरेलल वेनेशन है तो ये फटा हुआ रहेगा, ठीक है. तो वो श्रेडिंग में आ जाता है सीवियर कंडीशन में. पार्सल या कंप्लीट माल फॉर्मेशन भी कभी कभी देखने को मिलता है. जब बहुत ही सीवियर कंडीशन होता है तो उसमें जो हम लोगों को टैसल या कॉप बनना था उसकी जगह पे ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर बन जाता है. छोटे छोटे ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स बनते हैं, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि ग्रीन ईयर होता है पर्ल मिलेट के केस में. इसी तरह इसके टैसल या कॉप्स में भी माल फॉर्मेशन होता है. और जब हम अभी हम लोग टाइप्स देखेंगे, जो क्रेजी टॉप डाउनी मिल्ड्यू है, जब क्रेजी टॉप का बात आता है तो वहां पे हम लोग देखते हैं कि जो कॉप्स बनाने वाले या टैसल बनाने वाले जो टिश्यू है उनमें डिफरेंशिएशन प्रॉपर नहीं हो पाता है और इसके वहां के टिश्यू का प्रोलिफेरेशन हो जाता है. ये बहुत ही कॉमन सिम्टम देखने को मिलता है हम लोग को क्रेजी टॉप में. ऐसे कहते हैं कि इसका टॉप क्रेजी हो चुका है, यानी कि उसको जिस तरह से डिफरेंशिएशन करना चाहिए वैसा उसके टिश्यू का डिफरेंशिएशन नहीं हो रहा है, ठीक है. और भी कुछ सिम्टम्स हैं जो हम लोगों को डाउनी मिल्ड्यू में देखने को मिलता है, ठीक है. जैसे कि जब भी डाउनी मिल्ड्यू फंगस लगता है तो वो प्लांट को वीक कर देता है, सारा न्यूट्रिएंट वो अब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से प्लांट में जनरली इंटरनोड लेंथ शॉर्ट हो जाता है और प्लांट में स्टंटिंग सिम्टम हम लोगों को दिखाई देता है. डाउनी मिल्ड्यू के केस में प्लांट में स्टंटिंग दिखेगा. अब हम लोग देखते हैं इसके कॉजल ऑर्गेनिजम्स. ऐसे तो बहुत सारे स्पीसीज हैं और जीनस हैं जो डाउनी मिल्ड्यू कॉज करते हैं. सबसे पहला है सॉर्बम डाउनी मिल्ड्यू, जो कॉज होता है पेरोनोस क्लोरोस्पोरा सॉर्गाई की वजह से. अब हम लोग यहां पे पांच डाउनी मिल्ड्यू है ना जो हम लोगों को याद करना है और ये एग्जाम्स में आते हैं, जेआरएफ के एग्जाम्स में बहुत ही फ्रीक्वेंटली आते हैं, इसलिए हमको इन सारे को याद करना है. मैं बताऊंगी कि कैसे ये तुरंत से याद हो जाएंगे. अब देखो सॉर्बम डाउनी मिल्ड्यू है पेरोनोस क्लोरोस्पोरा सॉर्गाई. अब डाउनी मिल्ड्यू तो हम लोग जानते हैं ना कि पू माइसिडेज फंगस में है, माइसिटीज में. तो ऊ माइसिटीज का सारा जेनरा ऐसा ही है, पीथियम फाइटोप्थोरा भी है, लेकिन जब हम लोग डाउनी मिल्ड्यू में देखने आते हैं तो डाउनी मिल्ड्यू में पेरोनोस्क्लेरोस्पोरा होता है, पेरोनोस्पोरा होता है, स्क्लेरोस्पोरा होता है, स्क्लेरोप्थोरा होता है या प्लाज्मा पोरा होता है, सारे स्पीसीज ऐसे है ना. हम लोग देखते हैं जब क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे हम लोग तब भी ये देखेंगे. तो सॉर्गम डाउनी मिल्ड्यू पेरोनोस क्लोरोस्पोरा सॉर्गाई, सॉर्गम है तो सॉर्गाई. दूसरा है फिलिपिन्स डाउनी मिल्ड्यू पेरोनोस क्लोरोस्पोरा फिलिपिनेंसिस. क्रेजी टॉप डाउनी मिल्ड्यू स्क्लेरोप्थोरा मैक्रोस्पोरा. अब क्रेजी टॉप है, टॉप हम लोगों ने देखा कि क्रेजी टॉप में क्या होता है, टॉप यानी कि कॉब, कॉब भी लैटरल टॉप तो है ना, और जो टैसल है
ये दोनों जगह का जो टिश्यू होता है उसमें प्रॉपर डिफरेंशिएशन नहीं हो पाता है, प्रोलिफरेशन हो जाता है। इसकी इसका टॉप में कुछ क्रेजी बिहेवियर कर रहा है, प्रॉपर नहीं डिफरेंशिएशन कर रहा है, इसी वजह से इसको क्रेजी टॉप डाउन इवेंट बोलते हैं। और इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म स्क्लेरोथोरा मैक्रोस्पोरा, यानी कि ये बाकी सारे में भी कुछ ना कुछ मालफॉर्मेशन हो रहा है या कुछ ना कुछ अफेक्ट पड़ रहा है, लेकिन वो अफेक्ट इतना बड़ा नहीं है, यील्ड आता ही है, लेकिन जब क्रेजी टॉप होता है तो यील्ड बहुत ही ज्यादा रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ मैक्रो टर्म देखा, मैक्रो यानी कि मैक्रो नॉट माइक्रो, मैक्रो लॉस कर रहा है, बड़ा लॉस कर रहा है, तो मैक्रोस्पोरा हो गया। ब्राउन स्ट्राइप डॉग बोल रहे हो, ब्राउन स्ट्राइप जैसा दिखता है, स्क्लेरोथोरा रेजी वैरायटी जीली। अब देखो स्ट्राइप जो होगा वो रेज जैसा दिखेगा ना, मेज का लीफ लंबा लंबा होता है, वहां पे अगर कोई स्ट्राइप बनेगा तो ऐसा लगेगा कि वो रे है, कि सनलाइट का रे या कोई भी किसी भी लाइट का रे है, तो स्क्लेरोथोरा रेजी हम लोग ऐसे भी याद रहेगा। वैरायटी जी, जिया मेज में है तो जी, सुगर के डाउन मिल रही पेरेनोस्क्लेरोस्पोरा सैकेरी। अब देखो तीन ऐसे हैं जो सिमिलर है, सोरगम फिलीपींस और सुगर केन। सोरगम और सुगर केन का प्लांट क्वाइट सिमिलर होता है, और फिलीपींस, ये तीनों का जीनस है पेरेनोस्क्लेरोस्पोरा। जो सोरगम है वहां सोरभाई है, फिलीपींस है वहां फिलीपींसिस है, और सुगर केन में सैकेरी है, ये हम लोग कभी नहीं भूलेंगे। ब्राउन स्ट्राइप है तो जहां स्ट्राइप है वहां रेजी है, स्ट्राइप तो रेज, और क्रेजी टॉप जो क्रेजी है वो बिग लॉस कॉज करता है, तो मैक्रोस्पोरा हो गया। अब याद रह गए ये डाउनी मिल्डू के पांच स्पीसीज हैं जो बहुत ही कॉमनली पूछे जाते हैं। अब इसमें और भी कुछ इंपॉर्टेंट बात, जो फिलीपींस डाउनी मिल्डू है और सुगर केन डाउनी मिल्डू है, ये दोनों का इन्फेक्शन जो होता है प्लांट में वो सिस्टमिक होता है। ठीक है, यहां पर मैंने लिखा है सिस्टमिक इन्फेक्शन होता है सुगर केन डाउनी मिल्डू में और फिलीपींस डाउनी मिल्डू में। अब सिस्टेमिक इन्फेक्शन क्या होता है, दो तरह के इन्फेक्शन होते हैं, एक लोकलाइज्ड और एक सिस्टेमिक। अगर किसी पैथोजन का इन्फेक्शन आया, ठीक है, प्लांट में इस पोर्शन पे आ रहा है, उसका स्पोर आके गिरा, अगर इसकी वजह से इसी पर्टिकुलर एरिया में स्पॉट बनेगा या ब्लाइट बनेगा, जो भी इसका सिम्टम यही रह जाएगा, पैथोजन वस्कुलर सिस्टम के थ्रू पूरे बॉडी में ट्रेवल नहीं करेगा तो वो लोकलाइज हो गया। अगर पैथोजन उसके वस्कुलर सिस्टम्स के थ्रू पूरे प्लांट में स्प्रेड हो जाता है तो वो सिस्टमिक इन्फेक्शन होता है। हम लोग जानते हैं कि रस्ट लोकलाइज्ड होता है जबकि स्मट सिस्टमिक होता है ना। तो जो फिलीपींस डाउनी मिल्डू है और सुगर केन डाउनी मिल्डू है, इस दोनों का इन्फेक्शन मेज के प्लांट में सिस्टमिक होता है, बाकी सारे लोकलाइज्ड होते हैं। ठीक, अब देखिए इसका हम लोग सिम्टम्स देखिए, फॉजल ऑर्गेनिज्म देखिए। अब देखते हैं कि ये स्प्रेड कैसे होता है। डाउनी मिल्ड्यू टर्म से ही पता चलता है कि डाउनी ग्रोथ होगा। अगर इथाइमोलॉजी देखेंगे तो हम लोगों को डाउनी मिल्ड्यू का मतलब समझ में आता है हेरी फंजाई। ऐसा क्यों? जब इसके लीव्स पे हम लोग देखते हैं तो स्टोमाटा के थ्रू, स्टोमाटा होता है ना, लोअर लीव्स पे भी स्टोमाटा होते हैं, तो स्टोमाटा के थ्रू जो स्पोरेंजियो स्पोर होता है वो बाहर आता है। ठीक है, स्टोमाटा के थ्रू स्पोरेंजियो स्पोर बाहर आएगा, और इसकी वजह से हम लोग जब लीव को नीचे से देखेंगे उसके लोअर सरफेस को, तो वहां पर हम लोग को हेयर लाइक स्ट्रक्चर देखेगा। इसीलिए कहा जाता है कि डाउनी मिल्ड्यू एक हेयरी फंजाई है, यानी कि इसका जो स्पोरेंजियो स्पोर है वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर लीफ के लोअर सरफेस से वो एक्सट्रूड होता है। ओके, अब देखो ये तो हो गया क्योंकि इसमें स्पोरेंजिया बनता है, स्पोरेंजिया इसका एसेक्सुअल स्टेज होगा ना, इसका सेक्सुअल स्टेज क्या होगा?
सब लोग जानता है कि ओमाइसिटीज फंगस का है ना ये, तो वो स्पोर बनेगा। कभी भी जो किंगडम होता है, किंगडम में जो फाइलम होता है फंगस का, उसका जो नाम होता है उसके नाम से, अगर डेसिडियोस्पोर बोलेंगे तो एस्कोस्पोर बोलेंगे तो ओस्पोर बोलेंगे, तो ये सारा सेक्सुअल स्पोर होता है, ठीक है। कुनिडिया, स्पोरेंजिया, ये सब एसेक्सुअल स्पोर होता है, ठीक है ना। अगर उसके फाइलम के नाम से आ रहा है तो वो हमेशा सेक्सुअल स्पोर होगा, तो यहाँ ओस्पोर बनेगा जो कि इसका सेक्सुअल स्पोर होगा। और प्लांट में डाउनी मिल्ड्यू जब इसका सीजन खत्म हो जाता है मेज का, तो प्लांट के डेब्रीज में डाउनी मिल्ड्यू ओस्पोर के फॉर्म में ही डोरमेंसी अटेंड करता है, और वहां पे ओस्पोर फॉर्म में वो डोरमेंट रहेगा। जब फिर फेवरेबल सिचुएशन आएगा वो फिर से अपना जर्मिनेट होगा और आगे डिजीज को स्प्रेड करेगा, ठीक है। ये सिर्फ डेब्रीज में ही नहीं होता है, बहुत सारे कोलेट्रल होस्ट हैं जो ग्रामिनेसियस कोलेट्रल होस्ट हैं। क्या क्या है? सोर्गम बाइकलर, सोर्गम हेलिपेंस जो जॉनसन ग्रास है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। तो और एक है डिजिटेरिया सैंग्यूनेलिस, पंजाब में इसकी वजह से बहुत ही ज्यादा डाउनी मिल्ड्यू फैलता है। पंजाब में इसका कोलेट्रल होस्ट सबसे मेन यही है, डिजिटेरिया सैंग्विनेरिस। तो ये सारे हैं इसके कोलेट्रल होस्ट जिन पे डाउनी मिल्ड्यू का जो फंगस है वो सर्वाइव करता है जब तक मेज का नेक्स्ट फेवरेबल सीजन ना आ जाए, ठीक है। अब इसको और भी कुछ चीजें हैं जैसे कि इसका फेवरेबल सिचुएशन बनाता है। सबसे पहले जो यंग प्लांट्स हैं वो ज्यादा ससेप्टेबल होंगे, यंग प्लांट्स हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी मोर देन 90%। हम लोगों को ये भी याद रखना है कि डाउनी मिल्ड्यू में को ग्रो होने के लिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज्यादा चाहिए, जबकि पाउडरी मिल्ड्यू ऐसा नहीं चाहिए। हम लोग जानते हैं पाउडरी मिल्ड्यू हमेशा ही लो ह्यूमिडिटी वाले कंडीशन में ज्यादा अच्छा ग्रो होता है। इवन अगर उस टाइम में बारिश हो जाए, जब उसका सेकेंडरी स्प्रेड होना है उस टाइम में अगर बारिश हो जाए या फिर ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो फिर पाउडरी मिल्ड्यू बहुत ज्यादा ग्रो नहीं हो पाता है, वो उसके ग्रोथ का हैम्पर करता है बारिश। जबकि डाउनी मिल्ड्यू को बारिश चाहिए, या फिर अगर ड्रिजलिंग हो रहा है, इंटरमीडिएट रेनिंग हो रहा है, वेदर वाला कंडीशन है, थोड़ा क्लाउडी वेदर है, तो फिर उस टाइम में डाउनी मिल्ड्यू का ग्रोथ बढ़ेगा, पाउडरी मिल्ड्यू का नहीं। पाउडरी मिल्ड्यू का इसलिए नहीं बढ़ता है क्योंकि पाउडरी मिल्ड्यू को चाहिए ड्राई वेदर, और ये ड्राई में भी क्यों अच्छे से सस्टेन कर पाता है, क्योंकि पाउडरी मिल्ड्यू का जो कोनिडिया होता है उसमें 40% वाटर होता है। याद रखना है पाउडरी मिल्ड्यू के कोनिडिया में 40% वाटर होता है, कोनिडिया के पास ही होता है, उसको बाहर से नहीं लेना चाहिए। डाउनी मिल्ड्यू को अच्छे से ग्रो होने के लिए लीफ को वेट होना चाहिए थोड़ा, ठीक है। इंटरमीडिएट रेन या फिर ड्रिजलिंग जो होता है इसकी वजह से लीफ वेट होता है, तो इसका स्प्रेड अच्छे से हो पाता है। जबकि पाउडरी मिल्ड्यू में अगर ज्यादा, ये भी देखा गया कि अगर बहुत ज्यादा बारिश हो रहा है या फिर ज्यादा रिलेटिव ह्यूमिडिटी है तो उसका ग्रोथ हैम्पर होता है पाउडरी मिल्ड्यू फंगस का, क्योंकि उसके कोनिडिया के पास ऑलरेडी 40% वाटर है और ज्यादा पानी अगर बाहर से उसको मिलता है तो वो अच्छे से ग्रो नहीं हो पाता है, ठीक है। लेकिन इसको चाहिए मोर देन 90% रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ड्रिजलिंग होना चाहिए, लाइट ड्रिजल, इंटरमीडिएट रेन, वाटर लॉगिंग कंडीशन, ये सब है कुछ इसके फेवरेबल कंडीशन। अब इनको मैनेजमेंट कैसे करेंगे, फंगस है डाउनी मिल्ड्यू, तो मैनेजमेंट करने के लिए हम लोगों ने देखा कि इसका जो कोलेट्रल होस्ट है सारा ग्रामिनेसियस फैमिली का है, ठीक है। तो हम लोग इसका क्रॉप रोटेशन किसी पल्स क्रॉप के साथ कर देंगे, है ना, या फिर डीप प्लाउइंग कर देंगे समर के टाइम में, या फिर कोई भी कल्चरल मेथड अपना सकते हैं, ठीक है।
एक सबसे इंपॉर्टेंट जो हम लोग को याद रखना है, मेटालांजिल हम सब लोग जानते हैं, फंजीसाइड है। मेटालांजिल का यूज हम लोग डाउनी मिल्ड्यू को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही ज्यादा करते हैं, मेटालांजिल या रेडोमिल। क्यों? क्योंकि मेटालांजिल एक ऐसा फंजीसाइड है जो सारे ऊमाइसिटीज फंगस के लिए को उसको कंट्रोल करने के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि इसका साइट ऑफ एक्शन है आरएनए पॉलीमरेज 2। आरएनए पॉलीमरेज स्पेशली 2। मेटालांजिल जो है वो न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, उसमें भी स्पेशली आरएनए पॉलीमरेज को, और इसकी वजह से ये ग्रोथ नहीं होने देता। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार ये आता भी है, मतलब अभी तक फाइनल जा रहे पे नहीं आया है, लेकिन ये आ सकता है, इसके बहुत चांसेस हैं। तो अगर कभी आएगा किसी फंजीसाइड के साइट ऑफ एक्शन से आएगा या टारगेट साइट से आएगा तो मेटालांजिल आने का चांसेस बहुत ज्यादा है। तो ये न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस को इनहिबिट करेगा और आरएनए पॉलीमरेज 2 को इनहिबिट करेगा, यानी कि एमआरएनए को नहीं बनने देगा। हम लोग जानते हैं ना आरएनए पॉलीमरेज 1, 2, 3, 1 है जो आरआरएनए बनाता है, 2 है एमआरएनए बनाता है और 3 टीआरएनए बनाता है। तो ये आरएनए पॉलीमरेज 2 को मेनली अफेक्ट करता है, बाकी सारे को भी करता है, और मेटालांजिल जो है सारे ऊमाइसिटीज फंगस पे एक्ट करता है, डाउनी मिल्ड्यू पे भी, फाइटोप्थोरा पे भी, पीथियम पे भी, इस तरह से। ठीक है, तो नेक्स्ट डिजीज हम लोग देखते हैं, स्टॉक रॉट ऑफ मेज। सो नाउ स्टॉक रॉट ऑफ मेज, हम लोग जानते हैं कि स्टॉक रॉट ऑफ मेज में मेज का जो स्टॉक होता है, स्टेम होता है, वो अफेक्टेड होता है। ये कभी कभी बेसल रॉट भी हो सकता है, कभी कभी टॉप रॉट भी हो सकता है। अगर रॉटिंग मेज के प्लांट के बेस से स्टार्ट होगा, अगर बेस से रॉटिंग स्टार्ट हो और सबसे पहले लोअर लीव्स अफेक्टेड हो तो हम लोग बेसल रॉट बोलेंगे, लेकिन कभी कभी मिडिल से या फिर टेसल को छोड़ के बाकी जो लीव्स है वहां से अपर पोर्शन या फिर मिडिल पोर्शन से अगर स्टार्ट होता है तो उसको हम लोग टॉप रॉट बोलते हैं। और जब रॉटिंग होता है तो स्टेम जो होता है वो फट जाता है और उसमें ब्लैक स्क्लेरोशियल पाउडर्स भी मिलता है हम लोगों को कभी कभी, इसका सॉरी स्क्लेरोशियल नहीं होता, वो बैक्टीरिया का होता है। स्टॉक रॉट ऑफ मेज जो है ये एक बैक्टीरियल डिजीज है ना, इसका नाम है डिकेया जी, इसका ये न्यू नेम है, ओल्ड नेम इसको हम लोग पहले इर्विनिया स्टिवार्टी या फिर पेंटोइया स्टिवार्टी भी बोलते थे, क्योंकि स्टिवार्ट साहब ने इसको खोजा था ना, तो इसलिए स्टॉक रॉट को हम लोग कभी कभी स्टिवार्ट विल्ट भी बोलते हैं, क्योंकि विल्टिंग का कंडीशन आता है। हम लोगों ने देखा था कि विल्ट बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकता है, फंगस की वजह से भी हो सकता है, तो स्टिवार्ट विल्ट भी बोलते हैं। जो डिकेया जी है उस बैक्टीरिया का फाइलम है प्रोटियो बैक्टीरिया, क्लास है गामा प्रोटियो बैक्टीरिया, हम लोग बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन में इसको पूरा पढ़ेंगे। ऑर्डर है इंटेरो बैक्टीरिया, फैमिली है इंटेरो बैक्टीरियेसी। ठीक है, डिकेया जी एक ग्राम नेगेटिव पेरीट्राइकस रॉड से बैक्टीरिया है, ऐसे भी हम लोग जानते हैं इर्विनिया ही तो है, इर्विनिया पेरीट्राइकस बैक्टीरिया होता है, ग्राम नेगेटिव होता है और रॉड सेप्ट होता है, ये तो हम लोग पहले से जानते हैं। तो इर्विनिया जो है ग्राम नेगेटिव है, पेरीट्राइकस है और रॉड सेप्ट है। अब ये जो बैक्टीरिया है वो कभी कभी सोयल में या क्रॉप डेब्रीज में डोरमेंट स्थिति में रहता है, जब अगले साल फेवरेबल सिचुएशन आएगा तब वो फिर प्लांट्स में जाएगा। इसका प्राइमरी सोर्स ऑफ इनोकुलम हमेशा ही सोइल या फिर क्रॉप डेब्रीज होता है, और सेकेंडरी सोर्स जो है सेकेंडरी स्प्रेड एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसेक्ट वेक्टर है। यहाँ पे जनरली बैक्टीरिया का इंसेक्ट वेक्टर बहुत ही कम होता है, लेकिन स्टॉक रॉट ऑफ मेज है इसका इंसेक्ट वेक्टर है मेज फ्लिया बीटल, इसका साइंटिफिक नाम है चिटोनेमा पुलिचेरिया, और ये बैक्टीरिया को एक प्लांट से दूसरे प्लांट में ट्रांसमिट करने का काम करता है। ये जरूर याद रखिएगा, मेज फ्लिया बीटल जो है स्टॉक रॉट ऑफ मेज यानी कि इर्विनिया डिकेया जी का वेक्टर है।
अब देखो ये जो बैक्टीरिया है वो जहां भी हाई रेनफॉल का कंडीशन होगा, ज्यादा ह्यूमिडिटी होगा, हाई रेनफॉल होगा और टेम्परेचर थोड़ा कम होगा, वहां पे इसके चांसेस ज्यादा है। जो फूड हिल्स हैं बिहार के, यूपी के, उत्तराखंड के, राजस्थान के, पंजाब के, तो सारे फूड हिल्स में, हिमालय का किसी भी पहाड़ों का जो तराई क्षेत्र होता है वहां पे इसका इन्फेस्टेशन बहुत ही ज्यादा मिलता है, क्योंकि इसके लिए जो फेवरेबल एनवायरमेंट होता है वो वहां पे बहुत इजीली मिल जाता है, क्योंकि ये 30 से 35 डिग्री सेल्सियस से 30-35 डिग्री सेल्सियस पे सबसे अच्छे से ग्रो होता है। और इसके साथ ही इसको स्लाइटली एसिडिक पीएच चाहिए। मैंने लिखा 6.5 या 6 कुछ भी हो सकता है, स्लाइटली एसिडिक पीएच चाहिए इसके बेस्ट ग्रोथ के लिए। और इस बैक्टीरिया का थर्मल डेथ पॉइंट होता है 50-52 डिग्री सेल्सियस, यानी जिस टेम्परेचर पे ये मर जाएगा। तो हम लोग अब एक यहां से हम लोग पॉइंट मिल गया कि इसके मैनेजमेंट के लिए हम लोग टेम्परेचर जो रखेंगे, जो भी हॉट वाटर ट्रीटमेंट दे रहे हो, हॉट एयर ट्रीटमेंट दे रहे हो या कोई भी इस तरह का ट्रीटमेंट हम लोग देते हैं, तो 50-52 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखेंगे इसके मैनेजमेंट के लिए। और भी हम लोग कुछ कर सकते हैं, जैसे बैक्टीरिया है ना, तो इसके लिए मैनेजमेंट के लिए हम लोग ब्लीचिंग पाउडर या क्लोरीन यूज करते हैं। क्लोरीन ब्लीचिंग पाउडर में आता है ना, तो ये क्लोरीन जो है, इसके क्लोरीन के एप्लीकेशन से हम लोग इससे सीड ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। वी यूज सल्फर, जो ब्लीचिंग पाउडर में होता है। और हम लोग ब्लीच इसको यूज करते हैं सीड ट्रीटमेंट में भी कभी कभी करते हैं, या फिर जनरली इसको दो बार सोयल ड्रेंचिंग करते हैं, एक जस्ट बिफोर फ्लावरिंग और उसके 10 दिन बाद। ठीक है, सल्फर का जनरली दो बार सोयल ड्रेंचिंग किया जाता है अगर सीड बहुत ज्यादा इन्फेक्टेड, अगर सीड से कभी आ रहा है तो हम लोग करेंगे, लेकिन मोस्टली हम लोग इसका सोयल ड्रेंचिंग करेंगे। या फिर एरिथ्रोमाइसिन का भी यूज कर सकते हैं, हम लोग जानते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन या स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का भी यूज किया जाता है, और ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का इसके मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, ये रहा हमारा स्टॉक रोट ऑफ मेज। नेक्स्ट डिजीज हम लोग देखते हैं बैंडेड लीफ और सीथ ब्लाइट। सीथ ब्लाइट जैसा राइस में था वैसा ही मेज में भी है। राइजोक्टोनिया सोलोनी राइस में भी डिजीज कॉज कर रहा था और मेज में भी राइजोक्टोनिया सोलोनी ही है। ठीक है, और उसके सिम्टम्स भी कुछ हद तक सिमिलर ही है। अब हम लोग देखते हैं बैंडेड लीफ एंड सीथ ब्लाइट, ये एक फंगल डिजीज है। हम लोगों ने देखा है राइस में भी जो सीथ ब्लाइट है वो उसका वो भी राइजोक्टोनिया सोलोनी से ही कॉज होता है। ठीक है, और मेज का जो सीथ ब्लाइट है उसमें भी राइजोक्टोनिया सोलोनी है, और वहां पे उसका टीलोस्पोरिक स्टेज क्या था याद कीजिए, थैनेटोफोरस कुकुमेरिस। राइस में था ना, लेकिन मेज में है थैनेटोफोरस सेसेकी। कभी कभी हम लोगों को मेज में भी थैनेटोफोरस कुकुमेरिस ही मिलता है, लेकिन जनरली अगर मेज की बात करें तो थैनेटोफोरस सेसेकी बोलेंगे। अब ये बैंडेड लीफ है, ठीक है, तो इसके लीफ पे हम लोगों को कॉपरी बैंड्स दिखता है। जो मेज का लीफ होता है वहां पे ग्रे टू ग्रीन कलर का स्पॉट होगा, लेसन होगा, और उसके चारों साइड कॉपरी बैंड देखने को मिलेगा। ठीक है, बीच में ग्रे टू ग्रीन कलर का लेसन है और उसके चारों साइड कॉपरी बैंड है, इसीलिए इसको हम लोग बैंडेड लीफ या सीथ ब्लाइट भी बोलते हैं। ये फंगस स्क्लेरोशिया बनाता है, और इसका प्राइमरी सोर्स ऑफ इनोकुलम स्क्लेरोशिया है, जो कि सोयल में रहता है, और वो नेक्स्ट सीजन में फिर जब फेवरेबल सिचुएशन आता है तो वो फिर प्लांट्स पे आता है। और इसका सेकेंडरी स्प्रेड होता है इन्फेक्टेड प्लांट्स और हेल्दी प्लांट्स के कॉन्टेक्ट से। कोई कुनिडिया नहीं बन रहा है जो एयर बॉर्न होगा, कोई भी और इसका इंसेक्ट वेक्टर नहीं है, ये सिर्फ कॉन्टेक्ट से ही स्प्रेड होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि जो सीथ ब्लाइट मेज का है वो कॉन्टेक्ट से ही स्प्रेड होगा। राइस में हालांकि इरिगेशन वाटर या इस सबसे भी स्प्रेड हो रहा था, लेकिन मेज में ऐसा नहीं है। अब हम लोग एक और चीज देखते हैं कि
ये जो सीथ ग्लैंड है ये सबसे ज्यादा इसके लिए ससेप्टिबल होता है प्लांट जब पूरे टाइम में होता है, और पूरा एरियल पार्ट, प्लांट का पूरा एरियल पार्ट ससेप्टिबल होता है एक्सेप्ट टेसल, इट अफेक्ट ऑल एरियल पार्ट्स एक्सेप्ट टेसल, ठीक है। और उसमें भी जब ये प्री फ्लावरिंग स्टेज में होता है, प्री फ्लावरिंग स्टेज में यानी कि 30-40 डेज आफ्टर सोइंग, तब सीथ ब्लाइट के लिए मेज का प्लांट सबसे ज्यादा ससेप्टिबल होता है। एक हम लोग याद रखेंगे कि टेसल को इफेक्ट नहीं करता बाकी सारे प्लांट को, पार्ट को, और प्री फ्लावरिंग स्टेज में सबसे ज्यादा ये ससेप्टिबल होता है। एक और बात है, सीथ ब्लाइट के बारे में हमने राइस में भी पढ़ा था कि ये ब्रांचिंग शो करता है, इसका जो फंगस होता है वो एक बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक ब्रांचिंग शो करता है। ये इसका माइसीलियम है, इसके जो ब्रांच होंगे वो 90 डिग्री पे होंगे और बेस के पास कंस्ट्रिक्टेड होगा, बाद में फिर वो ब्रॉड हो जाता है लेकिन 90 डिग्री पे होगा और बेस के पास कंस्ट्रिक्टेड होगा। ये हमेशा ही 90 डिग्री ब्रांचिंग शो करेगा और बेस के पास कंस्ट्रिक्टेड होगा। राइस में जो सीथ ब्लाइट देख रहे थे उसमें भी यही कंडीशन था और यहां भी वैसा ही है। इसके मैनेजमेंट के लिए हम लोग ट्राइकोडर्मा या ट्राइकोडर्मा हार्जियनम से सी ट्रीटमेंट करते हैं या फिर सीडोमोनास फ्लोरेसन से भी। ट्राइकोडर्मा हार्जियनम अगर यूज करेंगे तो 4 ग्राम केजी एफ सीड यूज करेंगे, अगर स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस यूज करते हैं तो 10 ग्राम पर केजी यूज करेंगे। ये तो सीड ट्रीटमेंट का, और भी कुछ मेथड्स हम लोग अपना सकते हैं जैसे कि क्रॉप रोटेशन करेंगे, हम लोग इसके जो डेब्रीज है उसको रिमूव कर देंगे, उसके बाद सोयल ट्रीटमेंट कर सकते हैं, सोयल में अगर हम लोग पहले से समर डीप प्लॉइंग करेंगे। ये सब मेथड्स हैं जो हम लोगों को याद नहीं रखना, हम लोग जेआरएफ के लिए जो इम्पोर्टेंट बात है वो बातें हैं वही मैंने बताई। नेक्स्ट हमारा चारकोल रॉड, बहुत जगह ये नहीं मिलता है लेकिन चारकोल रॉड एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है। चारकोल रॉड सिर्फ मेज नहीं, सौरभ में भी लगता है और पर्ल मिलेट में भी लगता है। ये कॉज होता है मैक्रोफोमिना फैसियोलिना की वजह से और इसका स्क्लेरोसियल स्टेज है राइजोक्टोनिया बटाटिकोला, वहां राइजोक्टोनिया सोलनी था, यहां राइजोक्टोनिया बटाटिकोला है। अब देखो चारकोल रॉट है, ऐसा लग रहा है चारकोल जैसा कुछ ब्लैक कलर का दिखता होगा, हाँ होता है। जब मेज का प्लांट मैच्योरिटी कर रहा होता है, तो अभी मैच्योरिटी आया नहीं है लेकिन आने वाला है, उस टाइम में ये रूट से इसका इन्फेक्शन स्टार्ट होता है और वो धीरे धीरे ऊपर स्टेम में फैलेगा। सॉरी, रूट से इन्फेक्शन स्टार्ट होगा और धीरे धीरे स्टेम में फैलेगा और उसके बाद इसके इसका जो स्क्लेरोशिया होता है वो इसके वास्कुलर सिस्टम में इस तरह से फिल हो जाता है कि उसका स्टेम को स्प्लिट कर देगा, और जब ये स्टेम इसका स्प्लिट ओपन हो जाएगा इसके वास्कुलर सिस्टम से हम लोगों को ब्लैक कलर का स्क्लेरोशियल पाउडर देखने को मिलेगा, पूरा भरा भरा हो जाता है, इसीलिए हम लोग इसको चेयर्ड अपीयरेंस भी बोलते हैं। ये बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ठीक है, याद रखना। चेयर्ड अपीयरेंस जो है वो चारकोल रॉड में मिलता है, वो चारकोल का पाउडर जैसा इसका स्क्लेरोसियल पाउडर देखने को मिलता है, और जब मैच्योरिटी के पास होता है प्लांट तभी ये होता है। हमने देखा कि रूट से स्टार्ट होगा और ऊपर स्टेम की तरफ वो धीरे धीरे स्प्रेड होगा, और अभी मैच्योरिटी आया नहीं था ना, तो मैच्योरिटी से पहले ही ये स्टेम को डेड कर देगा, और कभी कभी इसकी वजह से चैफी ग्रेन्स बन जाता है या फिर कॉर्प्स होता है वो श्रीवेल्ड हो जाता है। इसका प्राइमरी सोर्स ऑफ इनोकुलम है सोइल बॉर्न स्क्लेरोसिया, जो स्क्लेरोसिया सोइल में रह जाता है वही अगली बार फिर से डिजीज कॉज करेगा प्लांट्स में, और जो स्क्लेरोसिया है वो एक प्लांट से दूसरे प्लांट में इरिगेशन वाटर या फिर जो रेन या स्प्लैश के थ्रू ट्रांसमिट होता है।
फंगस है, मैक्रोफॉर्मिना फैसियोलिना, ये हमेशा ही ड्राई वेदर में ज्यादा सीवियर हो जाता है, ड्राई वेदर को फेवर करता है। इसीलिए जब ये मेच्योरिटी के बाद वाले पीरियड में पोस्ट इमरजेंस सिचुएशन होता है या फिर जब ईयर हेड इमर्ज हो जाता है उसके बाद हम लोग इरिगेट करते हैं ताकि इसको ड्राई वेदर ना मिले। ये जनरली ड्राई वेदर को फेवर करता है मैक्रोफॉर्मिना फैसियोलिना, इसलिए हम लोग इसको ड्राई ना हो सिचुएशन, इसलिए ईयर हेड इमरजेंस के बाद हम लोग इरिगेट करते हैं इसको मैनेजमेंट के लिए। और ये इतना कहें कि जिद्दी फंगस होता है, सोइल में इसका स्क्लेरोशिया मोर देन 16 इयर्स तक देखने को मिला है, रिपोर्ट हुआ है। तो ये 16 इयर्स से भी ज्यादा तक सोइल में रह सकता है, इसीलिए इसको मैनेजमेंट करना बहुत ही इजी नहीं होता है। अगर हम लोग क्रॉप रोटेशन भी कर रहे हैं 2-4-5 साल के लिए तो भी ये इफेक्टिव नहीं होगा। इसके लिए इफेक्टिव यही तरीका है कि हम लोग इरिगेशन उसको मैच्योरिटी के, जब प्लांट मैच्योरिटी अप्रोच कर रहा हो उस टाइम में पानी का कमी ना होने दे पेड़ में। ठीक है, नेक्स्ट डिजीज हम लोग देखते हैं साउदर्न लीफ ब्लाइट और नॉर्दर्न लीफ ब्लाइट। ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज है, इकोनॉमिकली इसकी वजह से वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा लॉस भी पहले हो चुका है और अभी भी होता है।